दिए हो, चलिए कोई बात नहीं। इलेवेंथ क्वेश्चन एक बार देख ले, क्वेश्चन इलेवेंथ एक बार देख ले, टेंथ में पहले ही करा चुका था, ठीक है जी, आराम से। पर्ल लिमिटेड, इलेवेंथ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है जी, 11 नंबर। मुझे आपने ये बताना है कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक 10, उन सब में और इसमें क्या डिफरेंस है, उन सब में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये बात बतानी है बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो पहली बात मैं चाहता हूं ये लिख लें आप नोट वन में, इन दिस क्वेश्चन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इज मिसिंग, इन दिस क्वेश्चन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इज मिसिंग, इस क्वेश्चन में फंड्स की टोटल रिक्वायरमेंट मिसिंग है, जैसा पहले क्वेश्चन में दी होती थी, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द सेम, इसलिए ये जरूरी हो जाता है उसको निकालना। वी नो, हमें मालूम है टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विल बी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट, फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट। बेटे ये तो पहली क्लास में बताया था कि फंड्स क्यों चाहिए, बेटे एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए चाहिए। फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू रीजंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बेटे तभी तो फंड्स आएंगे टोटल, ठीक है जी। तो चलिए जी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहली चीज जो मैं लिखूंगा उसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेशन ऑफ टोटल फंड्स, स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेशन ऑफ टोटल फंड्स, हाउ मच टोटल फंड्स आर नीडेड, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर वन, ईयर टू
एंड ईयर थ्री। बेटे फिक्स्ड एसेट्स और बेटे वर्किंग कैपिटल ऐड कर दे, अगर हम दोनों ऐड कर दें तो यहां पर आ जाएगा टोटल फंड्स रिक्वायर्ड। लो बेटे आराम से बेटे, क्वेश्चन ये नया है, बहुत पहले आया था, मुझे लगता है आ सकता है, इसलिए आप पहले पढ़ लीजिए और देखिए कि जो बातें मैं कर रहा हूं क्या वो बातें आपको समझ आ रही है। आराम से बेटे, बेटे फिक्स एसेट्स तो दिए हुए हैं, और बेटे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो बेटे अब मुझे स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, करंट एसेट्स निकाल लूंगा, करंट लाइबिलिटीज निकाल लूंगा, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में करते थे, रेशियोज दी होती थी, बैलेंस शीट बन जाती थी। तो बेटे वही काम करना है, तो लिखते हैं जी वर्किंग नोट नंबर वन, और हमने वर्किंग अपने चैप्टर में किया भी है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, लो बेटे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, बेटे रेशियोज दी हुई है, सबसे पहली दी हुई है बेटे कैश एंड डेटर्स टू सेल्स। तो देखते हैं बेटे वर्किंग नोट नंबर टू, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, कैश एंड डेटर्स अपॉन सेल्स, कैश एंड डेटर्स अपॉन सेल्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स, चार गुना, चार गुना। बेटे सेल्स तो दी हुई, तो बेटे 2400 चेक कर लीजिए, 600 इंटू चार 2400, 720 इंटू चार 2880, और 900 इंटू चार 3600। बेटे कैश एंड डेटर्स आ गए, कैश एंड डेटर्स आ गए रेशो की मदद से। नेक्स्ट रेशो देखिए कौन सी दी हुई है, इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटे यहां लिख देते हैं 2400, 2880 और 3600। अब यहां पे आएगा बेटे इन्वेंटरी, तो मैं लिख रहा हूं जी वर्किंग नोट नंबर थ्री, इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थ्री टाइम्स आराम से बेटे, और बेटे पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये बात तो आपने बचपन से सीखी हुई है। तो चलिए जी शुरू करते हैं, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं ये मास्टर करता क्या जा रहा है, बेटे कैसी बातें कर रहे हो, मैं टोटल फंड्स निकाल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल फंड्स दिए ही नहीं हुए थे, और टोटल फंड दो चीजों को जमा करके आते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट की रेशियो दी हुई है,
तो मैं उनकी मदद से निकाल रहा हूं। तो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, चलिए जी बताइए सेल्स कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो ये आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 600, 720, 900, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, 216, 270, 420, 504, 630, 630 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटे आपके सामने आ गया। अब आप बताइए जी ईयर वन की, ईयर टू की और ईयर थ्री की निकाल लीजिए इन्वेंटरी। ईयर वन की तो मैं क्या कर रहा हूं जी 420 × 3, 504 × 3, 630 × 3, 1260 है जी। बेटे खुद कर रहा हूं कैलकुलेटर से देख लीजिए, 1512 है जी।1890 लो बेटे, ये तो आ गए बेटे करंट एसेट्स, देख लेते हैं टोटल करिए। यारा बेटे 3660, 4392, 5490। अब बेटे करंट लायबिलिटीज है 3:1 की रेशो है, तो चलिए जी 1830, 2196, 2745, लो बेटे दिस इज ए दिस इज बी। बेटे करंट लायबिलिटी का टोटल भी उतना ही आएगा और नीचे लिखा हुआ बेटे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। लो बेटे क्या रुक गया बेटे, मेहनत लग रही है, मैं चाहता हूं कि आपको फेस टू फेस से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं, ज्यादा अच्छा समझाऊं, दिल से समझाओ, दिल से दिल तक मेरे बेटे। लेकिन अगर आप पहले से कर लें और फिर देखें तो बहुत फायदा होगा बेटे इन वीडियोस का। तो वर्किंग कैपिटल बेटे ये आ गया बेटे 2310, 2766, 3405, आराम से बेटे
आराम से मैंने आंसर लिखा है इक्विटी कितनी इशू करनी है, अभी मैंने निकाला है टोटल फंड्स, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ टोटल फंड्स, देख लीजिए आराम से, ये क्वेश्चन हटके है बाकी सब से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं करा रहा हूं। अब मुझे निकालना है कि इस फंड्स में से इक्विटी कितनी होगी और डेट कितना होगा, डेट कितना इक्विटी कितनी, डेट कितना इक्विटी कितनी। चलिए जी, तो मैं लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट शोइंग डेट इक्विटी मिक्स ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री। डेट इक्विटी और इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा डेट इक्विटी की रेशियो दी हुई है 1:2, मैं ये टोटल फंड यहां लिखूंगा, तेईस सौ दस, 2310, 2746, 2310, 2746। बेटे वहां से कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, लास्ट ईयर का देख लेता हूं टोटल फंड्स कितने हैं, 3405। ठीक है बेटा, खत्म, 1:2 की रेशो बेटे। बेटे ये देखो, 2310, 2746, 3405। एक बात बतानी है, जहां पर आप गलती करेंगे फिर आगे चलेंगे। बेटे एक बात ये बतानी है कि वर्किंग नोट में इसको लिख लें, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, डेट इज टू इक्विटी लिखा हुआ है, तो डेट अपॉन इक्विटी की रेशियो होनी चाहिए 1:2, इसका मतलब टोटल होना चाहिए 3, डेट 1 इक्विटी 2 टोटल 3। बेटे लेकिन इक्विटी का मतलब आप सब गलत पढ़ते हो, बेटे इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे इक्विटी तो बहुत बड़ा वर्ड है, बस यहीं पे गलती करेंगे बच्चे, क्योंकि वो इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ लेंगे, लेकिन इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स भी आते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% का और 50% डिविडेंड पे आउट रेशो दी हुई है, तो बेटे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा फिर उसको कंप्लीट करूंगा। मैं लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग नोट नंबर 4, यही तो खासियत है इस क्वेश्चन की, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। बेटे नेट प्रॉफिट्स देख लीजिए, 10% दिया बेटे, 60, 72, 90, लेस डिविडेंड बेटे 50% की रेशियो दी हुई है, 30, 36, 45,
बेटे ये लिखा है देखिए 30, 36, 45 ये है बेटे प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस 30, 36 एंड 45 आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं भाई। प्यारा गहरा क्वेश्चन है बेटे, ये समझ आ गया तो समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल डिसीजन सारा रिवाइज हो गया। 30, 36, 45 ये मैंने बेटे प्रॉफिट्स लिख दिया 30, 36, 45 प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां पर आ जाएगा बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर आ जाएगा एग्जिस्टिंग डेट और यहां आ जाएगा न्यू डेट। बेटे अब रेशो दी हुई है, क्या रेशो दी हुई है कि डेट और इक्विटी की रेशो 1:2 की होनी चाहिए। तो जरा बताइए 2310 भाग में 3 ये आ गया जी 770। ये आ गया जी 1540। ये आ गया जी 915। ये आ गया जी 1830। आराम से बेटे देख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं कर रहा हूं आपके सामने। 3405। ये आ गया जी 1135। तो ये आ गया जी 2270। और बेटे एग्जिस्टिंग में तो दिया हुआ है ना उन्होंने कि एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है 360। ये एग्जिस्टिंग है तो न्यू कितनी होगी बेटे निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। एग्जिस्टिंग डेट भी दिए 180, तो चेक करते हैं 770 माइनस 180 इज इक्वल टू 590 बैलेंसिंग फिगर। और बेटे ये आ गया जी, ये आ गया इक्विटी टू बी इशूड, ग्यारह सौ पचास। बहुत बढ़िया जी, देखो आंसर भी आ गया 1150 बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकाला, 1540 में से 360 पुरानी इक्विटी और 30 इस बार के प्रॉफिट्स, तो ये आ रहा जी 1150। चेक कर लीजिए 590 कैसे निकला, 770 माइनस 180 इज इक्वल टू 590, ये देख लीजिए। बेटे ये डूबा करके दिखाओ तो मैं मानू 770 को बेटे एग्जिस्टिंग हो जाएगा। और बेटे 30 इस बार के प्रॉफिट्स पिछली बार के ईयर वन के प्रॉफिट्स ईयर टू में जुड़ जाएंगे, ईयर वन के प्रॉफिट्स ईयर टू में जुड़ जाएंगे 30, ठीक है जी। और 1150 प्लस 360 ये 1510 एग्जिस्टिंग हो जाएगा। तो बेटा सिंपल है, 915 माइनस 770 ये लो
बेटे 145, ये तो हो गया। अब इसको देख लो बेटे, 1830 माइनस 1510 माइनस 36 माइनस 30 आ गया बेटे 254, 254। एक सेकंड बेटे, 1150 प्लस 360 1510, 1510 प्लस 36 प्लस 30 माइनस 1830 254, 254 है बेटे। आंसर ठीक कर लीजिए, 254 है। अभी देख लेते हैं तीसरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। टेंशन की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। घबराना क्यों है, घबराना आपके दुश्मन, आप क्यों घबराओ। अभी देख लेते हैं, 915 यहां लिख दीजिए, 1135 में से 915 लेस कर दीजिए तो 220 तो ही आ गए। ठीक है जी, तो 254 प्लस 36 प्लस 30 बेटे, बेटे प्रॉफिट्स तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, तो आप देखिए जी इस केस में 2270 माइनस 254 माइनस 1510, तो इकट्ठा भी लिख सकते थे, चलिए कोई नहीं। आइए जी, 2270 माइनस 254 माइनस 1510 माइनस 45 माइनस 36 माइनस 30, ठीक नहीं आ रहा बेटे, एक बार चेक करेंगे। तीन हजार चार सौ पांच, कोई बात नहीं बेटे, मैं दोबारा से साफ सुथरा कर देता हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए आप। ये लीजिए, मैं एक बार दोबारा करता हूँ, तो ये स्टेटमेंट दोबारा बना देता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग, थोड़ी खुली खुली हो तो ज्यादा अच्छा है ना, तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग डेट इक्विटी मिक्स। एक मिनट लगेगा बेटे, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री, ठीक है जी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं डेट, यहां लिख रहा हूं इक्विटी, यहां लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग डेट, और यहां लिख रहा हूं न्यू डेट, और यहां लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां लिख रहा हूं न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, ईयर टू का जो प्रॉफिट होता है उसमें ईयर वन का भी होता है और ईयर थ्री का भी, टू का भी होता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए, ये मैंने टोटल कर दिया जी, डेट का टोटल। अब समझ आया मैडम, अब देखो हंस भी पड़े आप, ये बेटे टोटल इक्विटी का, और बेटे ये आ गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार देख लेता हूं मैंने ढंग से लिया या नहीं। बेटे 2310 एक बार देख लेता हूं, वर्किंग कैपिटल भी ट्रांसफर किया नहीं कि ढंग से। ठीक है जी, 2310, 2746 और 3405, 2310 2746, एक बार चेक कर लेंगे,
और 3405। लो जी, अब डेट टू इक्विटी, तो बेटे 1/3 और 2/3 इनटू ऐसे तो करके देखते हैं बेटे, 1/3 इनटू 2310 और 2/3 इनटू 2310। अब आप मदद नहीं करते ना मेरी, मैं खुद ही कर रहा हूं बेटे। लो बेटे 1540, इसी तरह से 2746 अपॉन 3 915 1830 या 31 1135 और 2270। आराम से बेटे, आराम से देख लीजिए, ये इक्विटी होनी चाहिए और ये बेटे डेट होनी चाहिए, क्योंकि रेशो 1:2 की दी हुई है। अब मैंने एग्जिस्टिंग डेट लिख लिया जी 180 और 360, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 1:2 की रेशो है। इस बार के जो प्रॉफिट्स कमाए हैं एक बार वो भी देख ले हमने ठीक किए थे या नहीं। नेट प्रॉफिट्स 10% है बेटे, 60 72 90, और बेटे 50% की रेशो है, 30 36 45। बहुत ही बढ़िया काम किया बेटे, 30 30, पहले 30 लिख देते हैं बेटे। अब बताइए 770 में से अगर मैं 180 लेस कर दूं तो ये बैलेंस ही नहीं करा दी, 590 बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से 1540 में से 360 लेस कर दें और 30 लेस कर दें तो 1150 आ जाएगी बेटे, यही है बैलेंस, यही आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटे, आराम से, कोई टेंशन नहीं बेटे, क्या पता आंसर गलत हो, फर्स्ट ईयर को तो सेम ही आ रहा है। अब बेटे ये बताओ, ये 770 तो एग्जिस्टिंग बन गया ना ईयर टू का, तो 915 - 770 बेटे 145 बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब बेटे ये दोनों की दोनों एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएंगी ना, और बेटे 30 प्लस प्रॉफिट कितना बेटे सेकेंड ईयर में, 36। अब बताओ सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है लॉस आएगा वो तो बेटे 30 प्लस 36 से शो होगा ना, तो चलिए बैलेंसिंग फिगर 1831 -1510 -66 255। पहले भी यही आ रहा था बेटे, बिल्कुल ठीक है आंसर, मैंने चेक कर लिया। अब 915 यहां चला गया बेटे, बेटे यहां पर आ जाएगा 30 + 36 + 45। ठीक है जी, और 1510 प्लस 255 एग्जिस्टिंग आ गया जी 1765। कैसे आया 1510 ये,
प्लस 255 जो पिछले बार इशू की थी, नहीं ये आ गया। अब बेटे आ जाओ लास्ट है, 2270 में से 1765 एक लेस कर दीजिए, 31, 36, 1 और 45, 1, 394 आ रहा है बेटे। पहले भी ये आ रहा था, आंसर ठीक कर लो, 394। मैं आंसर भी ठीक कर रहा हूं, 394 कर लीजिए बेटे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिल्कुल आपके सामने करके दिखाया है, बड़ी मेहनत की है बेटे। पहला आंसर तो सेम आ रहा था, इसका मतलब ईयर टू और ईयर थ्री का भी हमारा सेम आया है, ठीक है। तो चलिए जी, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 11th भी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ये चाहता हूं कि आप सभी एक बार क्वेश्चन नंबर 12th को देखें, इसमें फुल आंसर दे दिया है, 13th में भी फुल आंसर दे दिया है, 14th में भी फुल आंसर दे दिया है। तो मुझे लगता है आप घर में जाकर, घर में 13th, 14th और 15th करें, क्योंकि फुल आंसर तो दिए हुए हैं, तो प्लीज फुल आंसर पूछें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटे मेरे को SMS कर दें, WhatsApp करें, किसी भी नंबर पे, इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है जी, मेल कर सकते हैं, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं आपको बताने के लिए, वैसे स्पेस भी नहीं है और स्मॉल लेटर्स है, gmail.com। मैं चाहता हूं कि आप सभी यहां पर क्वेश्चंस, 17 तो मैंने करा ही दिया, ये चार क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, इन चारों के फुल आंसर्स दिए हुए हैं, 13th, 14th, 15th और 16th। इसके साथ हम अगली क्लास में लिवरेजेस शुरू करेंगे, तो इनके डाउट्स देखेंगे 13, 14, 15, 16 के, और लिवरेजेस शुरू करेंगे इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली।